देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है और मॉडर्न पुलिसिंग है, उन सबको मिला के यहाँ पे काम किया जाएगा। जो जो काम यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा काम चल रहा था, उसको डेफिनेटली आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ हीनस क्राइम है, कोई सेंसेशनल क्राइम अगर हुआ है जो अभी तक नहीं सुलझा, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। लोगों में एक सुरक्षा की भावना, एक और लोगों की मदद से, उनकी भागीदारी से ही ये किया जाएगा। जहाँ पे भी जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, उनसे बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। आम जन के साथ जो है, उनकी भागीदारी की जाएगी और पुलिस और प्रशासन में उनको साथ लेके चला जाएगा। सर, और जो वंचित वर्ग है, उनकी ओर से हम देखेंगे कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम अनएड्रेस्ड ना रहे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम ज़रूर सर करेंगे। बीते दिन हुई घटनाओं को लेकर लोग काफी घबराए हुए हैं। लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुना नगर देखिए, जिले? आपके माध्यम से और प्रेस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना। जो अपराधी हैं, कुछ अपराधी जो हैं वो पकड़े भी गए हैं और अब लगातार वो पकड़े भी जाएंगे, और उसके बारे में प्रेस के माध्यम से हम पूरे जो यहाँ यमुनानगर के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको बताते रहेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो अपराधी हैं, उनके साथ पूरी सख्ती से पेश आएंगे। तो सर आज जैसे SHOs और मीटिंग ली जा रही है, तो कुछ नए आदेश भी दिए जाएंगे कुछ? साहब, ये क्योंकि मैं आया हूँ, जो हमारा कटिंग एज है, जो लोगों के साथ संपर्क है, वो थाने चौकियों के माध्यम से है। तो जो हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसी के बारे में उनसे भी फीडबैक लेंगे और जो आदेश ज़रूरी होंगे वो भी दिए जाएंगे। सर, SP मोहित हांडा एक सख्त छवि का एक सुनने में आया, तो यमुनानगर को लेकर क्या सख्त रवैये रहेंगे सर आपके? देखिए साहब, यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया, जैसे मैंने बताया, मैं लोगों का फीडबैक लूँगा और जो जो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और पूरा वातावरण और परिस्थिति को समझ के जो जो ज़रूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। तो सर यमुनानगर वासियों के लिए कोई मैसेज था? देखिए, यमुनानगर वासियों के लिए यही मैसेज है कि पुलिस के साथ भागीदारी करें। कोई भी क्राइम होता है या आपको लग रहा है कि जो क्राइम में तब्दील हो सकता है, उसके बारे में तुरंत सूचना दें। हम अपने SHOs को, जो कटिंग एज पे हैं, चौकी इंचार्ज हैं, फील्ड स्टाफ हैं, सबको यही समझाएंगे कि तुरंत उन पे एक्शन लिया जाए। और जो छोटा पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे ट्रैफिक के ऑफेंसेस हैं, उसमें आप पुलिस का सहयोग करें। आप बिल्कुल भी जो डार्क फिल्म वाली गाड़ियां हैं, जिनमें खिड़कियों पे डार्क फिल्म है, वो ना यूज़ करें। विदाउट हेलमेट ना राइड करें, विदाउट नंबर प्लेट ना राइड करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपराधी और एक आम नागरिक जो है, उनसे हमें उतनी ही सख्ती से निपटना पड़े। हम चाहते हैं कि जो आम जन है, उसके साथ भागीदारी बने।